हेलो गाइस, होप सब सभी लोग ठीक होंगे एंड मजे में होंगे। तो आज एक नया बॉक्स है, न्यू पावरफुल एसबीसी है, जो कि 8 कोर का रहने वाला है। ये 8 कोर का एक प्रोसेसर वाला सिंगल बोर्ड कंप्यूटर रहने वाला है। आज इसको मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। इसका नाम है फायरफ्लाई की तरफ से आने वाला ROC 3588 RT। थोड़ा सा वियर्ड नाम है, बट इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा, मतलब 8 कोर का सीपीयू आता है। बिना किसी टाइम वेस्ट किए जल्दी से इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा इस बार रन करके दिखाऊंगा इसमें क्या क्या आपको अभी करंटली मिलता है एंड कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इसमें चला सकते हो। जल्दी से सारी इन्फॉर्मेशन इसकी देता हूँ। सही बोर्ड दिखता है, बहुत पावरफुल बोर्ड रहने वाला है। तो चलो वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। एंड इफ यू डोंट नो अबाउट द कोर, यह है कोर की चेन। अभी करेंटली आपको 350 रुपए में आपको मैं अवेलेबल करा रहा हूँ। रियल इंटेल का सीपीयू है, इंटेल i5 का ये करेंटली सीपीयू है। इसको आप एज अ फ्रिज मैग्नेट यूज कर सकते हो, एज अ कीचेन यूज कर सकते हो, एज अ बॉटल ओपनर यूज कर सकते हो। एंड इसको जरूर चेकआउट करना मेरे इंस्टा पे जाके। अगर आपको चाहिए तो वहां से आप मेरे को बात कर सकते हो, मैं आपको इसको होम डिलीवरी करवा दूंगा सिर्फ 350 रुपीज में, इंक्लूडिंग डिलीवरी आपको ये मिलेगा। कुछ इस बॉक्स में आता है, ये ऐसा कुछ ये बॉक्स आता है इसका। एंड इस जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा ये दिखता है। एंड इसकी कोर की स्टोरी इस पे लिखी हुई है कि कोर कैसे बनाई। इसकी जो अनबॉक्सिंग वीडियो वो भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी डली हुई है, तो जाके जरूर देखना। अगर आपको चाहिए तो मेरे इंस्टा पे जाके मैसेज करना। चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। ओके तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, अनबॉक्स करता हूँ। एक्चुअली ऑलरेडी जब ये आया था कुछ 1-2 हफ्ते हो गए इसको आए हुए, तो मैंने इसको ओपन किया था, थोड़ी देर चलाया था क्योंकि वीडियो बनाने से पहले टेस्ट करना पड़ता है। सो एंड ओरिजिनली मैंने इसको वापस वैसे ही पैक कर दिया आपको वीडियो में शो करने के लिए। तो जल्दी से आपको ये अनबॉक्स करता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या क्या इसमें कैसे कैसे मिलता है। तो ओपन करने पे बिल्कुल ओरिजिनल पैकिंग है, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं की गई है। अभी देखो यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है डायरेक्टली, इसके अंदर कुछ नहीं है, सारे बबल रैप्स वगैरह हैं, ये खाली है। ओके आ जाते हैं ये मेन बॉक्स पे, ये रहने वाला है मेन बॉक्स। यहाँ पे इसकी जो एसबीसी का नाम लिखा हुआ है RC RK 3588 RT करके लिखा हुआ है। एंड जो अभी मैंने करेंटली वर्जन मंगाया हुआ है ये है 8 GB एंड 64 GB की eMMC स्टोरेज इसमें मिलती है, 8 GB की रैम मिलती है। इसमें जो अप टू 32 GB तक की रैम लग सकती है। ना टाइम वेस्ट के इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। हाँ तो ऑन द फ्रंट साइड आपको एक पाउच मिलता है, ये कुछ पाउच मिलता है, इसको रखता हूँ साइड में। बॉक्स के अंदर आते हैं, बॉक्स के अंदर आने पे यहाँ पे आई गेस आपको ये अडेप्टर मिलता है। एंड हाँ, इसके साथ अडेप्टर भी मिलता है। कई कई सिंगल बोर्ड कंप्यूटर मैंने और भी मंगाए हुए हैं, उसके साथ अडेप्टर नहीं मिलता है। ये एक अडेप्टर हो गया जो कि DC जैक, हाँ ये DC जैक रहने वाला है, DC जैक वाला है ये, कोई टाइप सी पावर इन नहीं है इसमें। तो आई गेस तभी इन्होंने DC जैक है इसमें, तभी इन्होंने एक अडेप्टर प्रोवाइड कराया है मतलब इसमें बॉक्स में। एंड अफकोर्स यहाँ पे कुछ सॉकेट्स रहने वाले हैं प्लग्स के लिए, ये यूरोपियन कंट्रीज में लगता है, जैसे ये दोनों तरीके सेम ही है, ये दोनों जैसे सेम ही है यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में लगता है, हमारे इंडिया में बेसिकली ये वाला लगता है। ये कुछ इसके अडेप्टर्स रहने वाले हैं, जैसे मैं आपको लगा के दिखा दूँ, ये यहाँ पे जस्ट पुश करना होता है एंड ये फिट हो जाता है, ऐसे यहाँ से रिमूव भी ये हो जाता है। तो कुछ इस टाइप का ही रहता है। एंड यहाँ पे एक और केबल मिल रही है USB Type-A to USB Type-C, ये केबल मिलती है USB Type-A to Type-C, बाकी और कुछ नहीं है। इस बॉक्स को रखते हैं साइड में। मेन यूनिट ऑफ कोर्स इसमें रहने वाला है इस ब्लैक वाले पाउच में। इस ब्लैक वाले पाउच को ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये मेन सिंगल बोर्ड कंप्यूटर पाउच खाली, ये मेन सिंगल बोर्ड कंप्यूटर रहता है। यहाँ पे एक स्टैटिक बैग है, स्टैटिक बैग के अंदर है स्टैटिक सेंसिटिव डिवाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट टू बी हैंडल बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है। तो चलो ओपन करके आपको जल्दी से दिखा दूँ कि ये सिंगल बोर्ड कंप्यूटर कैसा दिखता है। होप साफ सभी लोगों को ये क्लियर दिख रहा हो, कुछ इस टाइप का ही दिखता है। जल्दी से मैं बाकी चीजें यहाँ से हटा देता हूँ। कुछ ये सारा कंटेंट इसमें मिला है, देख सकते हो आप। इसका अडेप्टर हो गया, इसका अडेप्टर की जो रेटिंग है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। 12 वोल्ट एट 2 एम्पियर, 24 वोल्ट का ये अडेप्टर रहने वाला है, 12 वोल्ट एट 2 एम्पियर। ये कुछ इसके सॉकेट्स हैं एंड USB Type-A to Type-C, मतलब ये कुछ आपको इसमें सेट में मिला है, मतलब मिलता है। चलो इन सबको रखते हैं साइड में और अपने मेन सिंगल बोर्ड कंप्यूटर पे मिनी PC पे आ जाते हैं कि मिनी PC कैसा दिखता। कुछ इस तरीके का ये सिंगल बोर्ड कंप्यूटर रहने वाला है। यहाँ पे ऑन द फ्रंट साइड आपको कोई भी प्रोसेसर वगैरह नहीं दिख रहा होगा, आप सोच रहे होगे कि प्रोसेसर कहाँ पे है, प्रोसेसर इसके बैक साइड में मिलता है। एंड बाकी सारे मेन जो कंपोनेंट्स है वो भी बैक साइड में ही मिलते हैं, जैसे रैम एंड eMMC वगैरह के बैक साइड में ही मिलता है। यहाँ पे एक पावर बटन मिल जाता है इसको स्विच ऑन करने के लिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये पावर बटन मिल जाएगा। यहाँ पे LED इंडिकेटर है, USB Type-A मिल जाता है यहाँ पे फीमेल वाला, जो कि USB 2.0 पे रहने वाला है। एक यहाँ पे USB Type-A वापस 3.0
पे रहने वाला है USB Type C। ये आई गेस आई डोंट नो ये USB Type C कौन से वर्जन का है, बाकी ये रहने वाला है। दो HDMI के पोर्ट इसमें मिल जाएंगे आपको। ऑन द यहाँ पे अदर साइड यहाँ पे खाली है, उसके अपोजिट साइड जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पावर इन के लिए DC जैक, DC पोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे एक ऑक्स का पोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे तीन मिल जाएंगे आपको इथरनेट केबल्स, इथरनेट के पोर्ट्स मिल जाएंगे। एंड इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला आपका 2.5 गीग का है, 2.5 GBPS तक का इसमें आपको इनपुट आउटपुट मिलेगा। एंड ये वाले नॉर्मल इथरनेट है, मे बी शायद 100 MBPS वाले। ऑन द अदर साइड यहाँ पे कुछ नहीं है। फ्रंट साइड में यहाँ पे ये आई गेस एक पोर्ट दे रखा है, मे बी ये शायद डिस्प्ले के लिए हो, कुछ मेंशन तो नहीं कर रखा इसमें, मे बी शायद डिस्प्ले के लिए हो ये वाला पोर्ट। ऑन द फ्रंट साइड यहाँ पे आपको मिल जाता है एम की स्लॉट, यहाँ पे आपको वाईफाई मॉड्यूल अगर लगाना चाहते हो तो वाईफाई मॉड्यूल लगा सकते हो। वाईफाई इसमें इनबिल्ट नहीं आता, वाईफाई ब्लूटूथ आपको अलग से लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसको लगा सकते हो M.2 SATA SSD, यहाँ पे आप लगा सकते हो M.2 की SATA वाली, NVMe नहीं है, M.2 SATA यहाँ पे लग जाएगी। ऑन द बैक साइड आपको मिलता है RK3588। टॉक चिप की तरफ से प्रोसेसर आता है, 8 कोर का प्रोसेसर है। अभी आपको स्पेसिफिकेशन देता हूँ इसकी सारी, कितने गीगाहर्ट्ज़ वगैरह पे है। यहाँ पे आपको एक MMC मिल जाएगी, यहाँ पे आपको डुअल चैनल में रैम मिल जाएगी, यहाँ पे आपको एक और चिप का एक प्रोसेसर मिलता है। आई थिंक ये पावर मैनेजमेंट की IC है, PMIC बोलते हैं इसको, पावर मैनेजमेंट की IC रहने वाली है शायद, टॉक चिप की तरफ से है। एंड बाकी कुछ SMD कॉम्पोनेंट्स वगैरह लगे हुए हैं। एक यहाँ पे SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, इसमें SD कार्ड भी है। तो चलो एक बार आपको जल्दी से इसका स्पेसिफिकेशन दे देता हूँ कि आपको क्या इसमें रैम एंड रोम और कितने गीगाहर्ट्ज़ का इसमें प्रोसेसर मिलता है। ऑन द प्रोसेसर साइड इसमें मिलता है आपको RK3588 का प्रोसेसर रहने वाला है, ऑक्टा कोर का 64 बिट का प्रोसेसर है ये। ऑक्टा कोर का मतलब 8 कोर रहने वाले हैं इसमें, कॉर्टेक्स A76 के 4 कोर रहने वाले हैं, कॉर्टेक्स A55 के 4 कोर रहने वाले हैं, एंड अप टू 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक ये क्लॉक्ड है। GPU ऑन द अदर साइड इसमें GPU आपको मिल जाता है माली का G610। नीचे आ जाते हैं रैम पे, रैम करेंटली जो मेरे पास वर्जन है इसमें है 8 GB ऑफ रैम, LPDDR4X वाली रैम है। LPDDR5 भी ये सपोर्ट करता है, बट इसमें करेंटली LPDDR4 है आई गेस, मेंशन नहीं है कि LPDDR4 या 5 है। ऑन द वेबसाइट इन्होंने मेंशन करा था कि LPDDR5 भी सपोर्ट करता है। एंड इसकी जो मैक्सिमम रैम कैपेसिटी है वो 32 GB तक की है, 32 GB तक की ये रैम सपोर्ट कर सकता है। नीचे आ जाते हैं और इसकी स्टोरेज पे, स्टोरेज करंटली जो मेरे पास वर्जन है इसमें 64 GB है। आप इसमें आगे की और भी वर्जन आते ऊपर के उसमें आपको मिल जाएगा 128 GB की MMC स्टोरेज मिल जाएगी, मैक्सिमम 128 GB तक की इसमें गई हुई है। एक्सटेंडेड स्टोरेज की बात करूं कि स्टोरेज कैसे एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब फ्रंट साइड आपको देखा होगा M.2 की SATA SSD का यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है तो वो सपोर्ट करेगा। एंड ऑन द वापस बैक साइड पे आते हैं तो यहाँ पे एक पोर्ट दे रखा है जो कि SD कार्ड का है। सो दो तरीके से आप इसमें एक्सटर्नली इसमें स्टोरेज को अपग्रेड कर सकते हो, बाकी 64 GB इसमें आता ही है। पावर मैंने आपको बताया 12 वोल्ट ये सपोर्ट करेगा। एंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें एंड्रॉइड चला सकते हैं, लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं, OpenWRT इसमें चल जाएगा। लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें Ubuntu एंड ना Debian 11 चलेगा करंटली जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कर रखा है वेबसाइट पे। एनवायरमेंट वर्किंग कंडीशन है इसको जो चाहिए, मतलब वो मैक्सिमम टेम्परेचर जो ले सकता है वो है -20°C से लेके अप टू 60°C तक। तो ये कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन में ये काम कर सकता है, उससे नीचे उससे ऊपर ये नहीं काम कर पाएगा। इथरनेट मैंने आपको बताया 2000 MBPS के इसमें मिल जाते हैं और एक 2.5 GBPS का आपको इसमें इथरनेट पोर्ट मिल जाएगा जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाए थे, ये वाले दोनों, जो ये वाला रहने वाला है 2.5 का और ये वाले रहने वाले 1 GB के। ऑन द नेक्स्ट साइड आ जाते हैं, आउटपुट ऑडियो आउटपुट आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे एक ऑक्स का पोर्ट है, यहाँ पे आप ऑक्स 3.5 mm जैक के थ्रू लगा सकते हो तो ऑडियो वहां से आपको आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि इसमें इनबिल्ट ब्लूटूथ नहीं है तो ब्लूटूथ से आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको एक्सटर्नली यहाँ पे आउटपुट लगाना पड़ेगा। USB मैंने आपको बताया, USB 3.0 मिलता है एक पोर्ट, USB 2.0 मिलता है एक पोर्ट, USB टाइप सी मिलता है 3.0 वाला जो कि OTG सपोर्ट करता है वो आपको मिलता है, जो कि मैंने आपको इधर दिखाए थे वाले, ये तीनों पोर्ट यहाँ पे USB के मिलते हैं, USB 2.0, USB 3.0, USB टाइप सी 3.0, ये तीन पोर्ट रहने वाले USB के। दो डिस्प्ले आउटपुट रहने वाले यहाँ पे HDMI के, दोनों 4K पे, अप टू 8K तक आप पे आउटपुट ले सकते हो। बाकी एक बार आपको इसकी वेबसाइट और दिखा देता हूँ मैं, ये कुछ इसकी वेबसाइट रहने वाली है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ROC RK3588 RT Octa Core 8K AI Mini PC Mini SVC with Ethernet ports।
यहाँ पे कुछ डिटेल्स है, अप टू 32 GB ऑफ रैम सपोर्ट कर सकता है, 2.5 GBPS का गीगाबिट पोर्ट मिल जाता है इसमें, इथरनेट का 6 टॉप्स कंप्यूटिंग पावर मिलती है एंड 8K आउटपुट मिलता है। मतलब ये सारी कुछ यहाँ पे डिटेल्स वगैरह मेंशन कर रखी है। बाकी जो साइट में इमेजेस है आई डोंट नो ये लोड क्यों नहीं हो रहे, बाकी इसमें सारी डिटेल्स वगैरह दे रखी है। स्पेसिफिकेशन मैं आपको यहाँ से और दिखा देता हूँ, ये आप पढ़ सकते हो आराम से। ये आपका कमर्शियल वर्जन वाला है, ये इंडस्ट्रियल वर्जन वाला है। जो अभी मेरे पास है ये कमर्शियल, अपना जो कमर्शियल वर्जन है वो वाला है, इंडस्ट्रियल वर्जन वाला वो सिस्टम नहीं है। इंडस्ट्रियल वर्जन वाला थोड़ा सा डाउनग्रेड कर रखा है 2.2 GHz तक, एंड जो अपना कमर्शियल वर्जन है वो 2.4 GHz पे ओवरक्लॉक्ड है, मतलब क्लॉक्ड है। ये कुछ स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हो, मैं नीचे आके और दिखा देता हूँ। ये कुछ सारी स्पेसिफिकेशन आप वीडियो पॉज करके आराम से देख लेना। बाकी ये सारी चीजें रहती है, एक बार मैं डाउनलोड्स में जाके आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह दिखा देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या क्या रहने वाले, इमेजेस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इनकी। डेबियन रहने वाला है, उबंटु रहने वाला है, एंड्रॉइड रहने वाला है, OpenWRT उबंटु रहने वाला है। कुछ टूल्स है यहाँ पे, कुछ फर्मवेयर वगैरह, सोर्स कोड वगैरह रहने वाले हैं, फुली ओपन सोर्स रहेगा ये सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स। आप कर्नल के जितने भी काम करना चाहते हो सोर्स एंड लाइक इंजीनियरिंग उसके लिए पर्पसेस के लिए ये बेस्ट है। बाकी सब चीज इसमें रहने वाली है। ये प्रोसेसर आप सामने से देख लो एक बार, कुछ ऐसा प्रोसेसर रहने वाला है। तो चलो अब बिना किसी देरी के, आपने ये सब तो देख ही लिया, अब जल्दी से इसको स्टार्ट करके और दिखा देता हूँ कि इसमें करंटली ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा बाई डिफॉल्ट डल के आया है, एंड थोड़ा सा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का रन करके दिखाता हूँ कि क्या क्या रहने वाला है। इस पीसी को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे सिंपली इनका जो अडेप्टर आया है वो ले रहा हूँ। उस अडेप्टर को मैं जल्दी से इसमें पावर इन करता हूँ और अपने जो HDMI की मेरी केबल जा रही है वो इसमें लगाता हूँ, एंड कीबोर्ड माउस वगैरह मेरा रहने वाला है ये वायरलेस कीबोर्ड। तो जल्दी से मैं इसको सेटअप करता हूँ और आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ जल्दी से। यहाँ पे मैंने सारी चीजें कनेक्ट कर दी है, यहाँ पे अभी थोड़ी देर में डिस्प्ले आ गई, फायरफ्लाई लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉइड, करंटली इसमें एंड्रॉइड रन कर रहा है, एंड अगली की वीडियो में मैं आपको इसमें उबंटु और डेबियन भी चला के दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारी चीजें यहाँ पे कनेक्ट कर दी है, एंड देखो यहाँ पे मैंने इथरनेट डायरेक्टली दिया हुआ है। वहां पे मेरे जो डिस्प्ले के लिए HDMI केबल है एंड मेरे माउस के लिए डोंगल लगा रखा है, यहाँ से पावर इन दे रखा है। करंटली ये स्टार्ट हो चुका है। ये जो एंड्रॉइड रहने वाला है ये एंड्रॉइड का टैबलेट वर्जन जो आता है वो रहता है ये बेसिकली। एंड देखो इसमें मैं पहले ही दिखा देता हूँ आपको, ये ऑफिशियल नहीं होता है एक तरीके से, करंटली कुछ ऐसा रहने वाला है। ये ऑफिशियल एंड्रॉइड नहीं होता है बेसिकली, मतलब लाइसेंस्ड नहीं होता है, क्योंकि इसमें देखो आपको कहीं पे भी गूगल की एप्लीकेशन या गूगल का प्ले स्टोर वगैरह नहीं दिखेगा। नॉन लाइसेंस्ड वगैरह ये होते हैं जो इसमें करंटली डल के आया हुआ है एंड्रॉइड। तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन वगैरह है, यहाँ पे आप देख सकते हो फायरफ्लाई RPI डेमो, API डेमो लिखा हुआ है, कुछ और भी अदर एप्लीकेशन है, म्यूजिक है, लाइटनिंग ब्राउजर करके कुछ है, वीडियो है, ये सब कुछ जो भी नॉर्मल एंड्रॉइड में रहता है वो रहने वाला है। सेटिंग आपको खोल के दिखा देता हूँ, नीचे आपको जाके अबाउट सेक्शन इसका दिखाता हूँ। सिस्टम ये एंड्रॉइड 12 रहने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉइड 12 लिखा हुआ है। मॉडल देख सकते हो ROC RK 3588 RT। बाकी आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो नेविगेशन बार रहने वाले हैं, यहाँ पे अपना रोटेशन लॉक है, वॉल्यूम है, होम पेज जाने वाला है, एंड मल्टीटास्किंग के लिए जो आता है बैक के लिए है, वॉल्यूम डाउन है, एंड ये टास्क बार को नीचे करने के लिए, यहाँ पे स्विच ऑफ करने के लिए, सिस्टम को स्विच ऑफ करने के लिए एक आइकन दे रखा है। बाकी यहाँ पे टास्क बार आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का जो नॉर्मल एंड्रॉइड में आता है, एंड्रॉइड 12 में वो वाला ही टास्क बार है। यहाँ पे इंटरनेट लिखा हुआ है, इंटरनेट से है, ब्लूटूथ ऑफ है, पता नहीं ब्लूटूथ ऑप्शन क्यों आ रहा है, ब्लूटूथ है इसमें, डो नॉट डिस्टर्ब है, अलार्म है, एयरप्लेन मोड है, एंड यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन, यहाँ पे स्विच ऑफ का ऑप्शन, यहाँ पे यूजर का ऑप्शन, एंड यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। ये सब रहने वाला है। एक बार आपको ब्राउजर और चला के दिखाता हूँ कि ब्राउजर चल रहा है या नहीं। तो मैंने लास्ट टाइम इसको चलाया था तो ब्राउजर नहीं चल रहा था, कुछ सर्च नहीं हो रहा था। देखो लास्ट टाइम के मेरे फोन काफी सारे टैब्स खुले हुए भी हैं यहाँ पे। सो बाइदु थोड़ा सा ये चाइनीज जो रहने वाला है ये वो रहने वाला है, एक बार यूट्यूब में सर्च करके देखूं। सो ये काम नहीं कर रहा है बेसिकली करंटली, देखो ये तो काम कर नहीं रहा है। मैंने इथरनेट इंटरनेट भी दे रखा है इसको बट ये कनेक्टेड नहीं है। आई डोंट नो अभी ये क्या इशू है, बट मैं अगर कुछ भी टाइप करके सर्च कर रहा हूँ तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब बेसिकली नहीं हो रहा है। तो चलो कोई नहीं, ये तो चलो अभी जो करंटली वर्जन आता है ये वही वाला है। तो इसमें मैं एक बार डेबियन या फिर उबंटु डालूंगा तब आपको एक अच्छे से परफॉर्मेंस टेस्ट दूंगा इसका पूरा, कि ये कैसा काम करता है एंड कितना परफॉर्मेंस वाइज है ये, क्योंकि एंड्रॉइड में तो पूरा मैं कोर वाइज परफॉर्मेंस नहीं निकाल सकता, एंड हीटिंग वगैरह निकालने में थोड़ा सा
आपको भी समझ नहीं आएगा सही से, तो एक बार Ubuntu या फिर Debian डल जाए तो वहां पे अच्छे से परफॉर्मेंस टेस्टिंग लेंगे, ब्राउजर चलाएंगे, वीडियोस चलाएंगे दबा अच्छे से, बहुत सारी वीडियोस चलाएंगे एंड परफॉर्मेंस लेंगे कितना हीट कर रहा है ये प्रोसेसर। देखो करंटली अभी मैं छू के दिखाऊं ये प्रोसेसर, ना कुछ हीट मुझे महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि तब भी मैं इस पे एक हीट सिंक जरूर लगाने वाला हूं विदाउट फैन, पैसिव हीट सिंक तो छोटा सा लगा के लगाना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें तो काम नहीं चलेगा ऐसे। सो चलो ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। बेसिकली ये तो अभी इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसके ऊपर Firefly के एक नई जो SVC है या सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है, तो उसमें आपको अच्छे से दिखाऊंगा टेस्टिंग करके, इसमें तो अभी क्या टेस्ट करके दिखाऊंगा क्योंकि इंटरनेट ही सही से नहीं चल पा रहा है। इसको रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक एंड कोर को जरूर चेकआउट करना, ये कुछ मैग्नेटिकली ऐसे ही स्टिक हो जाता है, ये फ्रिज पे भी आप स्टिक कर सकते हो, आप जैसे देख सकते हो ना ये ऐसे ही स्टिक हो जाता है, मैग्नेट के थ्रू आप स्टिक कर सकते हो, मतलब अपने फ्रिज पे स्टिक कर सकते हो, तो ये चेकआउट जरूर करना गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है ये, रियल इंटेल CPU है, कभी किसी जमाने में इसने काफी काम किया बट अब जाके एक थोड़ा खराब होने की वजह से आज मैंने इसको किचन में बना दिया है, काफी स्टॉक पड़ा हुआ है एंड आप खरीद सकते हो ये सिर्फ और सिर्फ 350 का करंटली आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ विद होम डिलीवरी, कुछ ऐसे बॉक्स पैकिंग में आता है, यहाँ पे कोर लिखा हुआ है, दिस इज हाउ अ CPU वर्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है, सो कुछ इस तरीके से ये रहने वाला है, यहाँ पे कुछ 30 over 30 billion ट्रांजिस्टर यूज होते हैं एक प्रोसेसर में, तो इसमें भी यूज हुए हैं, तो कुछ ये ऐसे रहने वाला है, सो चेकआउट जरूर करना कोर को, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली किसी मजेदार सी वीडियो में एंड चलो फिर बाय बाय टाटा सी यू।